नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे साथ यह जेड एकेडमी पे। और आज हम वही शुरू करेंगे जहां हमने छोड़ रखा है। तो क्वेश्चन लेते हैं, आपको क्वेश्चन उस स्क्रीन पे दिख गया होगा। क्वेश्चन है, एक ठेकेदार 12 किलोमीटर लंबी सड़क 350 दिन में बनाने का ठेका लेता है। 12 किलोमीटर 350 दिन में बनाने का ठेका लिया, 45 आदमी काम पर लगाता है। 200 दिन के पश्चात वह देखता है कि सिर्फ 4.25 किलोमीटर लंबी सड़क ही बन पाई है, तो शेष सड़क को समय से बनाने के लिए और कितने आदमी की आवश्यकता होगी। तो देखो हमारे पास क्या क्या दिया उसने, हमारे पास उसने दिया है M1 कितना है 45, ठीक है, क्योंकि उसने 45 आदमी से काम शुरू किया ना, तो M1 कितना हुआ 45। D1 तो पहले कितना काम किया उसने, 200 दिन काम कर लिया है, 200 दिन के पश्चात देखा है, तो D1 हमारा 200 हो गया। W1 4.5 लिख लेता हूं मैं, ठीक है। M2 की बात करते हैं, M2 कितना है, M2 का था उसने कितने और आदमी लाए, तो मतलब 45 तो पहले से है, तो उसमें और कितने जोड़े, मतलब 45 प्लस X लोग मान लेते हैं, इतने और आदमी आ गए। फिर क्या बोल रहा है, D2। अब डे कितने बचे हैं, D2 टोटल देश कितने थे, 350 दिन का ठेका था ना, 350 दिन का ठेका था, 200 दिन उसने काम कर लिया है, अब बचे कितने 150 दिन। ये ध्यान रखना है इन बातों का, 150 दिन बचे हैं, 150 दिन बचे हुए। और वर्क कितना बचा है, W2 12 किलोमीटर लंबी सड़क थी, 4.5 हो गया है, तो कितना बचेगा 7.5, तो कितना हो गया 7.5। बस काम हो गया हमारा। उसने कहा था एक वर्कर है या एक ठेकेदार है 12 किलोमीटर लंबी सड़क को बनाने का ठेका लेता है, 45 आदमी शुरू में लगाता है, 200 दिन काम करता है, और 4.5 किलोमीटर की लंबी सड़क बनाता है। कितना बनाता है 4.5 किलोमीटर। अब अगले फेज में उसने देखा है 200 दिन तो हो गए, अब 150 दिन बचे हैं, काम पूरा करना है, काम पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके पास 7.5 वर्क बचा हुआ है, 7.5 किलोमीटर बचा है, तो अब वो एक्स्ट्रा लोग लाएगा, एक्स्ट्रा लोग लाके इतने दिन के अंदर काम खत्म करेगा। तो की पूछा है कितने दिन के अंदर खत्म, कितने लोग और लाएगी 150 दिन के अंदर पूरा काम समाप्त हो जाए, तो कैसे करेंगे इसे, वही M1 M2 यहां पे M1 D1 बाई W1 बराबर क्या हो जाएगा M2 D2 बाई W2, ठीक है। अब बताया मैंने आपको ये क्यों आया, ये मेरा पहले वाला लेक्चर बता रखा है। तो देखो M1 की जगह 45 आ जाएगा 45, D1 200 और W1 4.5, और यहां कितने आ जाएगा 45 प्लस X ब्रैकेट में रहेगा, और D2 कितना है 150, और वर्क कितना है 7.5। अब मैं यहां से ये बराबर के दोनों, ये बराबर के उस पार है, तो मैं यहां से पॉइंट हटाता हूं, तो यहां से मुझे पॉइंट हटाना पड़ेगा, ठीक है। 45 से 45 कैंसिल, 75 से 150 कैंसिल दो बार, इस दो से ये कितने कैंसिल 100 बार होगा, तो कितना हो गया ये X बराबर 100 माइनस 45, तो कितना होता है ये 55। तो 55 लोग उसे और लाने पड़ेंगे, 55 लोग उसे और लाने पड़ेंगे, तब उसका कार्य टाइम पे पूरा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है एक बिल्डर एक फार्म हाउस को 45 दिन में बनाने का फैसला करता है, कितने दिन में 45 दिन बनाने का, वह 30 दिनों तक 150 आदमियों से काम करवाता है, उसके पश्चात 120 आदमी और काम पर लाता है, तो कार्य पूरा कार्य समय से पूरा हो जाता है, यदि वह अतिरिक्त आदमी नहीं लाया होता तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगता, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है एक क्या है बिल्डर है, फार्म हाउस बनाना है उसने, 45 दिन में बनाने का फैसला करता है, मतलब पहले तो उसके पास कितने दिन है 45 डेज है, अब बोल रहा है 45 डेज है, वो बोल रहा है कि क्या करता है 30 दिनों तक कार्य करता है, मतलब 30 दिन तक कार्य करता है और 150 लोगों से काम करता है, तो कितना कर दिया उसने यहाँ पे 30 डेज तो उसने कर दिए, और लोग कितने थे 150, इतना वर्क उसने कर लिया। अब क्या हुआ,
उसके बाद 120 आदमी और काम पर लाता है। पहले ही कितने थे? 150 थे, 120 और लाता है। इसका मतलब अब क्या हुआ? देखो 45 में से 30 दिन तो यहाँ है। अब क्या क्या उसने 150 तो थे ही प्लस 150 तो थे ही लोग और प्लस 120 लोग और लाया। और वो कितने दिन काम करा है उसने? 15 दिन काम किया होगा। कितना दिन काम किया? 15 डेज। यहाँ पे ना 45 डेज है, 45 डेज में से 30 दिन उसने किससे काम करा दिया? 150 लोगों से काम करा दिया। अब उसे लग गया कि काम पूरा होने वाला नहीं है, तो उसने 120 लोग और लिए और कार्य टाइम पे पूरा हुआ। टाइम पे पूरा होने का मतलब क्या है? 30 दिन ये थे तो यहाँ के लिए कितने दिन बचे? 15 दिन बचे। इसका मतलब ये क्या है? टोटल वर्क है। अब वो बोल रहा है कि अगर वो इन लोगों को, एक्स्ट्रा लोगों को ना लाता तो कार्य कितने दिन में पूरा होता? तो आप जानते हो मैन इन टू डेज वर्क होता है, तो 150 लोग उसके पास होते, 150 लोगों से वो कितने दिन में कराता? डी डेज में कराता, डी डेज में कराता और उसका वर्क पूरा होता। ये वर्क कितना है? यहां से देखो, यहां उसने किया था ना 30 लोगों के साथ, 30 दिन में 150 लोगों के साथ कुछ काम किया और यहाँ पे 270 लोगों के साथ 15 दिन में कुछ काम किया। ये टोटल तो वर्क है, तभी तो कार्य पूरा हुआ। मतलब टोटल वर्क है, इसको इसको मिलाए कितना है टोटल वर्क? अब ये भी टोटल वर्क है, उसने बोला है 150 लोगों के साथ, अब उसे पूरा काम इन्हीं के साथ करना है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 30 + 150 + 270 हो गया ये 270 और 50। अब मैं यहां से 15 काट देता हूं, 15 यहां से काटा 10 बचा, ठीक है, 15 यहां से काटा 10 बचा और 15 यहां से कट, 15 यहां से और 15 वहां से कट गया, तो यहां 0 है तो मतलब 10 बचा हुआ है, तो यहां कितना बचा है? 10D। और यहां कितना बचा है? 30 से है 10, ये है 10, तो 30 गुणा करके 300 यहां बचा हुआ है, 300 प्लस ये कितना है 15 तो कट रखा है 270, इनको ऐड किया तो कितना हुआ? 10 वही जाते हैं सीधे सीधे, डी बराबर कितना हो जाएगा? ये ऐड किया तो 570 बचा और डिवाइड में 10 को मोवा लिया है, ठीक है, इससे कैंसिल हो गया, तो कितना डी बराबर कितना हो गया? डी बराबर हो गया 57। तो 57 डेज में, अगर क्वेश्चन का मतलब ये है, अगर वो इनको एक्स्ट्रा लोगों को नहीं लाता तो उसका टोटल काम कितने दिन में होने वाला था? 57 डेज में होने वाला था, ठीक है। या मैं इसे दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं, पहले आप समझ लो, इतने लोगों के साथ इतने दिन काम किया, फिर उसने 120 लोग और लाए, तो ये काम 15 दिन में समाप्त हो गया, पूरे टाइम पे समाप्त हो गया। पर क्या हुआ? अगर वो बोल रहा है कि अगर ऐसा नहीं होता तो इन्हीं के साथ काम करता तो 150 लोग डी डेज में काम समाप्त करते, और वैसे ही ये भी तो टोटल वर्क है, क्योंकि ये 30 दिन में 150 लोगों ने काम किया, कुछ काम ये है कुछ काम ये है, इनको प्लस किया तो टोटल काम हो गया ये, इसीलिए हमारा ये कितना निकला? 57 निकला। अगर मैं दूसरे तरीके से करना चाहूं तो आप दूसरे तरीके से समझ सकते हो, कैसा होगा दूसरे तरीके से? ध्यान जरा, मान लो ये हमारे पास टोटल वर्क है, ठीक है, वर्क क्या है? डेज। पहले क्या हुआ, यहां तक, यहां से यहां तक 30 डेज है ये, 30 डेज, और यहां पे कितने लोगों ने काम किया? 150 लोगों ने कार्य किया है, यहां से यहां तक 30 डेज क्या किया? 150 लोगों ने कार्य किया है। अब यहां पे 120 लोग और आए, 150 तो पहले से थे प्लस 120 और आ गया, मतलब कितने हो गए ये? 270 लोग हो गए। अब 270 लोग यहां से कर रहे हैं, कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं, तभी तो 45 दिन पूरे होंगे, 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं और कार्य पूरा हो जा रहा है। अब आप समझो जरा, अगर मान लो ये तो यहां तो 150 लोग ही रहेंगे हर केस में, इससे आगे देखो जरा, जब 270 लोग हो रहे थे तो ये काम कितने दिन में खत्म हो रहा था? 15 दिन में। पर उसने बोला पूरे काम को अगर 150 लोग ही करते, एक्स्ट्रा लोग नहीं आते, यहां तो 150 लोग ही कर रहे हैं 30 दिन तक, करे नहीं कर रहे, पर यहां से आगे फिर क्या हो जाता? यहां से आगे जो काम है वो 150 लोग करते, अभी 150 लोग उनके साथ 120 लोग हैं तो 15 दिन में समाप्त हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता? थोड़ा और अधिक दिन रहते, या मैं से मान लू यहाँ पे एक्स डेज लग जाते, क्या होता? एक्स दिन लग जाते। कैसे बोला मैंने? यहां से यहां तक तो 150 लोग ही काम कर रहे हैं, हमने उनको साइड लाइन कर दिया, साइड कर दिया,
यहां से यहां तक का जो काम था वो कितने लोग कर रहे थे, 15 दिन में 270 लोग कर रहे हैं। अब मुझे वही काम वो कराना है किसमें, 150 लोगों के साथ। तो वो कैसे करेंगे, देखो जिस काम को 270 लोग कर रहे हैं 15 डेज में, उसको 150 लोग करेंगे कितने दिन में, एक्स डे। ठीक है, काटते हैं जरा, इसे कटा और 15 से कटा, एक्स बराबर एक्स का मान कितना आ गया, 27। इसका मतलब क्या है, 150 लोग इस काम को, जिस काम को ये 270 लोग 15 दिन में कर रहे हैं ना, उसी काम कितने दिन में करने वाले हैं, 27 दिन में करने वाले हैं। इसका मतलब यहां से यहां कितने दिन लगने वाले हैं, 27 डेज लगने वाले हैं। तो 27 डेज यहां लगेंगे और 30 डेज पहले से भी है, 30 पहले से है, तो कितना हो जाएगा, 30 + 27, तो कितना, 57 डेज में ये कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। अगला प्रश्न लेते हैं। तो प्रश्न है आपका, एक कॉन्ट्रैक्टर किसी कार्य को 60 दिन में समाप्त करने का फैसला लेता है, 150 आदमी उसे कार्य की शुरुआत करता है और 45 दिन बाद 130 आदमियों को और भर्ती करके कार्य को समय पर समाप्त करता है। ये वाला क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, समाप्त करता है। यदि वह अतिरिक्त आदमी नहीं लाता तो कार्य पूरा होने में कितना और अतिरिक्त समय लगता। थोड़ा सा हल्के साथ हटके हैं, बस उसी टाइप क्वेश्चन है। देखो अब मैं इसे दूसरे मेथड से कराऊं क्योंकि वो आसान तरीका है, दूसरे मेथड से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो पहले बात समझो, आपको फिगर बनाने की जरूरत भी नहीं है, बस आप इतना समझो, उसने बोला है 150 लोगों ने कार्य की शुरुआत की है, ठीक है, और 45 दिन काम कर लिया है, 150 लोगों ने 45 दिन काम कर लिया, उसे मैं साइड में कर लेता हूँ, 150 लोगों ने 45 दिन काम कर लिया, उसे अलग रख दिया हमने। अब इसके बाद क्या प्रोसेस हुई, देखो जो लाइन बना रहा था ना मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। अब इसके बाद क्या हुई, 130 लोग और आए, अब 150 लोग पहले से थे, अब 130 और आए, तो कितना हुआ, 150 ये है, 130 और आए, तो 280 लोग हो गए हैं। अब 280 लोग उस काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 280 लोग उस कार्य कर रहे हैं 15 दिन में, 15 लिखा है ना, अच्छा 45 दिन में, 60 दिन में समाप्त करना था, 45 दिन काम कर लिया है तो बचे 15 दिन, तो 280 लोग उस कार्य कितने में समाप्त कर रहे हैं, 15 दिन, बस यही समय पकड़ना है। अब उसने बोला अगर वो अतिरिक्त आदमी नहीं लाता, कितने अतिरिक्त आदमी थे, 130 अतिरिक्त आदमी थे, अगर इनको नहीं लाता तो काम कौन करता, यही करते 150 लोग जो यहां भी करा उन्होंने, वही करते, किस कार्य को, इस कार्य को, 280 जो वर्क है, 280 जो लोग हैं, उन्होंने 15 दिन जो कार्य किया होगा उसे कौन करता, सिर्फ ये 150 लोग, क्योंकि ये 130 लोग आते नहीं तो ये बढ़ते नहीं, तो इसी कार्य करना है तो बराबर क्या हो जाएगा, 150 लोग कितने दिन में करेंगे, एक्स डेज में, बस वैसे क्वेश्चन है, जीरो से कैंसिल किया मैंने 15 से और 0 से ये वाला 0 कैंसिल किया, ठीक है, तो एक्स बराबर कितना हुआ, 28 दिन। तो 28 दिन तो वो है कि जो 150 लोग उस कार्य को पूरा कर दे, पर उसने क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितना अतिरिक्त समय लगा, अतिरिक्त समय देखो जरा, लगे तो 15 दिन थे ना, पहले 15 दिन लगे थे, अगर ये 130 लोग नहीं आते तो 28 लगता, अब अतिरिक्त बोला है उसने, मतलब इस 28 से 15 माइनस कर देंगे तो 13 डेज में क्या हो जाएगा हमारा कार्य, हमारे अतिरिक्त डेज हमारे कितने लगे, 13 डेज। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो आप बैक करके दोबारा देख सकते हो। अब मुझे लगता है कि थोड़ा ऐसा बताना जरूरी है क्योंकि अब लंबे तरीके से करते रहोगे तो क्वेश्चन लंबा ही रहता है, होता रहेगा, तो हम थोड़ा शॉर्ट तरीके से भी करना सीख लें। एक बार दोबारा समझा देता हूँ, जो ये शुरू में दिया है उसमें 150 लोग 45 दिन में कुछ कार्य करते हैं, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें बाद वाला पार्ट ही जानना है, बाद में क्या हुआ। उसके बाद उसने कहा है 130 लोग और आया और कार्य 15 दिन में समाप्त हो गया, ऐसा नहीं बोला उसने, भले उसने बोला है 60 दिन में काम करना था, 45 दिन यहां हो गए थे, 130 लोग और आए और कार्य टाइम पे पूरा हुआ। टाइम पे पूरा होने का मतलब क्या है कि 15 दिन में पूरा हो गया, क्योंकि 45 और 15 60 होता है, इसका मतलब 280 लोगों ने 15 दिन तक कार्य किया होगा। इसका मतलब है अगर इतने दिन कार्य किया होगा तो इतना कार्य होगा, जब इतना वर्क है तो इस वर्क को किसे करना है, हमें उन 150 लोगों से, क्योंकि 130 लोग हम मान के चल रहे हैं कि वो नहीं जुड़े होंगे, तो 150 लोग कितने दिन में करेंगे ये निकालना है। अब ये निकाला हमने तो 28 निकला, मतलब 150 लोग इस कार्य को, जो बचा हुआ कार्य था 45 दिन के बाद का, उसे 28 दिन में और लगाते, 28 दिन में पूरा कर लेते। पर उसने ये नहीं बोला है कितने दिन में पूरा करते, उसने बोला है कि कितने अतिरिक्त डेज लगते,
तो कितने अतिरिक्त डेज लगते हैं, 28 में से ये 15 माइनस करूंगा तो 30 अतिरिक्त डेज लग जाते हैं हमारे इस कार्य को पूरा होने में। ठीक है, अब मैं इसे दूसरे टाइप से नहीं कर रहा हूं, मैं इसी टाइप से कर दिया, ये शॉर्ट में किया है जानबूझ के, आप लोग समझो, इस टाइप से भी क्वेश्चन करना सीखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आज काफी शोर शराबा हुआ है यहाँ पे, इसके लिए माफी चाहते हैं। तो क्वेश्चन है, 30 आदमियों का एक दल किसी कार्य को 38 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, 25 दिन पश्चात 5 व्यक्ति और नियुक्त किए जाते हैं तो कार्य समय से 1 दिन पहले समाप्त होता है। यदि 5 व्यक्ति कार्य पर नहीं आते तो कार्य पूरा होने में कितना समय अधिक लगता। अब उसने बोला है कुछ लोग थे, कितने लोग थे, 30 लोग थे और उन्हें काम को पूरा करना था। ठीक है, पूरा करना था कितने, 38 दिन में, ये उनके पास मान लो ठेका था। अब क्या हुआ, जब कुछ दिन कार्य हुआ, कितने दिन कार्य हुआ, 25 दिन कार्य हुआ, तो उसका मतलब 38 डेज में 25 डेज कार्य हो गया, 15 डेज कार्य हो गया, तो किसने किया ये, कितने लोग, 30 × 25 वर्क हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतने कार्य हो गए। और उसने बोला है जो उसके बाद 5 लोग और आए और कार्य 1 दिन पूर्व से समाप्त हो गया। 1 दिन पूर्व का मतलब, होने का मतलब क्या है, 38 दिन में काम खत्म करना था, 1 दिन पूर्व हुआ तो -1 37 डेज में काम समाप्त हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। अरे 1 दिन पहले समाप्त होने का मतलब ये है ना, ठेका हमारा 38 दिन का था और हमने कितने दिन में खत्म कर लिया, 37 डेज में खत्म कर लिया। अब ये काम तो यहां हो रखा है ऑलरेडी, अब कैसे हुआ ऐसा, क्योंकि 5 लोग और आए थे, देखो तो यहां पे डेज कितने बचे, 25 दिन ये है तो यहां 37 थे, अब 12 दिन मतलब आप कितने दिन मिले हैं, 12 डेज मिले हैं। वैसे तो 13 मिलने जाए थे क्योंकि 38 था पर एक दिन पहले खत्म हो गया, 37 हो गया, तो 37 में से 25 दिन यहां पहले जा रखा था, 12 दिन यहां मिल गया इनको। 12 दिन किसने काम किया होगा, ध्यान से देखो जरा, 12 दिन क्या होगा, इन 30 लोग तो पहले से ही थे, 30 लोगों ने 12 दिन काम किया ही होगा, क्या हो गया नहीं, क्या होगा, 5 लोग और आए उनने भी 12 दिन काम किया, और 5 लोग और आए उनने भी 12 दिन कार्य किया। यह मैं हिसाब करता इसे 35 × 12 करता, बात वही भी, वो बात भी वही थी जो मैंने ये लिखा है, 30 लोगों ने 12 दिन काम किया, क्योंकि ये 30 लोग आगे भी है ना, और 5 लोगों ने 12 दिन कार्य किया। अगर मैं उसे ऐसा लिखता 35 लोगों ने 12 दिन काम किया, बात उसकी होती थी। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं वो, उसने बोला है अगर वो 5 लोग नहीं आते, वो 5 लोग नहीं आते तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता। इसको देखो जरा ध्यान से देखो, ये यही काम तो किया ना इन 5 लोगों ने, इन 5 लोगों ने यही काम तो किया, बाकी काम तो 30 लोगों ने किया, 30 लोगों ने 25 दिन काम किया, 30 लोगों ने 12 दिन काम किया, ये काम तो किसने किया, 30 लोगों ने किया, जो 5 लोगों ने एक्स्ट्रा काम किया है वो यही काम है 5 × 12। और यही बोल रहा है कि यही 5 लोग नहीं आते तो कितने दिन में होता। अब ये 5 लोग नहीं आते तो इस काम को भी कौन करता, यही 30 लोग करते जो पहले से काम में लगे हुए हैं। इसका मतलब यही काम कराना है हमने, तो ये जो काम 5 लोग 12 दिन में करते हैं वो 30 लोग कितने दिन में करेंगे, ये निकालना है। तो मैंने काटा 6 से कटेगा ये, 6 से 2 बार कटेगा, तो मतलब डी बराबर कितना आया, 2 बार, 5 से 30 कटा 6 बार, 6 से 12 कटा 2 बार, तो 2 दिन। अब 2 दिन क्या है, 2 दिन किस काम करने में, इस काम को करने में। देखो 30 लोगों ने 25 काम, तो 25 दिन काम यहां पे किया है, 25 डेज, 12 डेज काम यहां पे किया है, मतलब 37 डेज काम कर दिया है। इस काम करने में 2 दिन और लगते हैं, मतलब 37 प्लस 2 और लग जाता, 37 प्लस 2 39 डेज लगते हैं इनको करने में, 30 लोगों करने में। और ठेका कितने दिन का था, 38 दिन का था भाई साहब, जब 38 दिन का था तो हुआ कितने दिन में, 39 दिन में हुआ, 39 डेज में हुआ, इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा लगा, तो एक्स्ट्रा हमारे पास लगा 1 डेज एक्स्ट्रा लगा, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। उसने बोला कितने अतिरिक्त दिन लगते, तो कितने अतिरिक्त दिन लगते, 1 डेज अतिरिक्त दिन लगते, किससे, जिस दिन हमारा काम पूरा करने का ठेका दिया था उससे 1 दिन और लग जाता, 38 दिन का काम करना था, 38 दिन में काम समाप्त करना था, पर हुआ कितने दिन में, 39 डेज में। इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, एक और तरीके से भी कर सकते हैं, पहले को दोबारा बता देता हूँ, समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो, 38 डेज में काम करना था, 25 डेज इन्होंने कर लिया, 30 लोगों ने 25 डेज में कर लिया। अब उसने बोला 5 लोग और बुलाए हैं तो 1 दिन पहले समाप्त हो गया, 38 दिन में सोना समाप्त था, 37 दिन में समाप्त हो गया। 37 दिन का मतलब क्या है, इसमें से 25 दिन तो यहाँ ऑलरेडी जा रखे है ना,
इस 25 में, मतलब 12 डेज बचे हुए 12 डेज किसने काम किया होगा? 30 लोगों ने 12 दिन काम किया होगा, जो हमारे एक्स्ट्रा लोग आए थे 5 लोग, उनने भी 12 दिन काम किया होगा। अब उसने यही भी बोला है कि अगर 5 लोग नहीं आते तो काम कितने दिन में, मतलब कितना एक्स्ट्रा लेता जो भी है, तो 5 लोग नहीं आते तो मतलब 5 लोग अगर नहीं आते तो यही काम नहीं होता, मतलब यही काम कौन करता, इन्हीं को करना पड़ता ये काम भी, बाकी काम तो वो कर ही रहे हैं। 30 लोग 25 का दिन काम किया वो कर ही है, वो 30 लोगों ने 12 दिन काम किया वो भी किया ही है, ऊपर ये जो 5 लोगों ने 12 दिन काम किया ना वो किसे करना पड़ता, 30 लोगों को करना पड़ता, वो हमने किया तो 30 लोग कितने दिन लगाते, सर 2 दिन करने में लगाते, 2 दिन जब करने में लगाते हैं और यहाँ उन्होंने 25 दिन कर लिया, 12 दिन कर लिया, 37 दिन हो गया, 37 दिन काम हो गया, 2 दिन और लग जाते, प्लस 2 हुआ 39 डेज, तो ठेका कितने दिन का था, 38 डेज का, तो उसमें से एक दिन अधिक एक्स्ट्रा ले लिया उनने जो अपना कार्य को पूरा करने की, ठीक है। और बस इतना ही रखते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन, ठीक है आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफी थोड़ा हो गया, 20-22 मिनट की वीडियो हो गई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग यही काम नहीं करते हैं, लाइक वगैरह नहीं करते हो, और कर लिया करो यार थोड़ा, और सब्सक्राइब भी कर लिया करो, और लोगों को शेयर भी वीडियो को कर लिया करो। धन्यवाद।